Hey loves, my name is Mayuri Pandey and thanks for clicking on my thumbnail. यार रोज का हो गया तो मेरे को बताना कि फॉलो कर लो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बिकॉज तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, मेरा है ही कौन दुनिया में आप लोगों के सिवा। रिजेक्ट होना इतना भी बुरा नहीं होता जितना हम मान लेते हैं बुरा। माना कि नेचुरली बुरा लगता है बट उसको हम अपनी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस मान के बैठ जाते हैं। इमेजिन टर्निंग 45 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट गेटिंग रिजेक्टेड बाय एनीवन, एक बार भी नहीं। आपने एक बार ही किसी को लाइफ में प्रपोज किया और उसी ने हाँ बोल दिया, फिर बाद में आपको ऐसे फील होगा ना कि डू आई डिजर्व बेटर देन हर, मतलब अगर मैं उसके बजाय उससे भी और अच्छी लड़की को प्रपोज करता हूँ क्या वो भी मिल जाती मुझे। सो इस टाइप से मतलब रिजेक्ट होना ना आपको मिलने वाले प्यार की वैल्यू करना भी सिखाता है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो आप शायद जानना भी नहीं चाहते हो। लाइक दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद होगा बट एवरीवन एल्स लव पिज़्ज़ा। वैसे इफ़ उसको तुम नहीं पसंद आए तो बहुत सारे लोगों को तुम पसंद आओगे। सो स्माइल लाओ फेस पे और पूरा वीडियो देखो बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन हैंडल दिस टिंगलिंग इंग्लिश सिचुएशन। नंबर वन, डू नॉट ब्रेक कॉन्टैक्ट इमिजिएटली। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद तुरंत ही दोस्ती तोड़ देना उस सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है और सीरियस बना देता है एंड बिकॉज वो भी इतने टाइम से आपसे अटैच्ड है या नहीं भी है तो भी से नो वन वॉन्ट्स टू बी रूड, तो उसके लिए भी सिचुएशन काफ़ी अनप्लेजेंट सी हो जाती है कि वो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या टाइप का। तो उस टाइम रिस्पेक्ट के साथ कामली उसको ये बोल देना चाहिए कि ओके रिस्पेक्ट योर डिसीजन और वहाँ से निकल लेना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट योर डिसीजन बोल के निकल लेने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो भी नहीं सुनना। ऑब्वियसली वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लो, लेकिन ऐसे खुद से उस टाइम पे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिकॉज यू जस्ट गॉट हर्ट, तो आप उसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि उससे अच्छे से बात कर पाओ। सो जस्ट नंबर टू, रिजेक्शन दो तरह की लड़कियों से मिलता है। पहली वो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में होती हैं इसलिए रिजेक्ट कर रही होती हैं, दूसरी वो जो सिंगल होती हैं लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हैं। दोनों ही सिचुएशन में कुछ भी अवैधानिक नहीं है, इट्स पर्सनल चॉइस। अब आप कहोगे कि यहाँ तो मेरी कौन सी प्रोफेशनल चॉइस है, इन गाड़ियों की वजह से लगता है कि लॉकडाउन ही चलते रहना चाहिए हमेशा, बट खैर ठीक है उनका भी तो कारोबार है। हाँ तो अब आप बोलोगे तो मेरी कौन सी प्रोफेशनल चॉइस है, मेरी भी तो दिल का मामला है। तो यार देखो, ये जानने के बाद भी कि वो रिलेशनशिप में है, अगर आप ट्राई करते रहोगे बार बार तो उससे ना वो परेशान होगी, उसको लव्ड फील नहीं होगा बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी फीलिंग लव्ड बाय समवन एल्स। तो आपकी कोशिशें उसको लव्ड नहीं महसूस करेंगी, उसको परेशान करेंगी कि क्या है समझ नहीं आ रहा क्या टाइप। तो इसलिए और प्लस आपकी कोशिशों से होगा भी क्या, मान लो आपकी कोशिशें कामयाब भी होगी और आप उन दोनों के बीच में आ गए तो आप यही सोचोगे ना कि ये किस तरह की लड़की है जो अपने वाले को छोड़ के मेरे साथ हो ली, फिर क्या गारंटी है कि ये किसी और के साथ नहीं जाएगी मुझे छोड़ के, मतलब किसी और बेटर इंसान के लिए। और चलो ठीक है, इस थॉट को अगर हम साइड पे भी रख दें और ये भी इमेजिन कर ले कि उसने नहीं एक्सेप्ट किया, यू जस्ट कीप ट्राइंग और वो उसने नहीं एक्सेप्ट किया फिर भी, तो अब आपकी क्या रेपुटेशन होगी, आपकी क्या इमेज होगी, उसको तो ये लगेगा ना ये किस तरह का इंसान है जो मेरे और मेरे उनके बीच में आना चाहता है। सो हर तरह के सिनेरियो में आपको यही करना ठीक है कि आप ट्राई नहीं करो, ये जानने के बाद कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है आपको हाथ खड़े कर लेने चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए बिकॉज ये चीज़ आपके मॉरल्स को शो करती है कि आप एकदम उसूलों वाले इंसान हो। नंबर थ्री, सिंगल है फिर भी नहीं आना चाहती आपके साथ रिलेशनशिप में, तो इसको इतना ज़्यादा खुद पे लेके उदास होने के बजाय कि ओ गॉड मैं उसे पसंद नहीं आया, पता नहीं मैं लाइफ में कभी किसी को पसंद आऊँगा भी या नहीं टाइप सोचने की बजाय, बस इतना ही तो समझना है कि हर एक का अपना टाइप होता है, किसी को स्वीट टाइप पसंद है, किसी को हाइपर टाइप पसंद आते हैं, यू नेवर नो किसको कौन अट्रैक्टिव लग जाए। तो तुम भी तो किसी के प्रेफरेबल टाइप होगे ना, तो जो तुम्हें प्रेफर करेगी, जो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगी, कंपैटिबल फील करेगी तुम्हारे साथ बिकॉज तुम्हारी और उसकी चीज़ें मिलेगी। इफ़ तीन चार गर्ल्स को तुम उनके टाइप के नहीं भी लगे तो क्या, किसी ना किसी के टाइप को तो होगे ना आप भी, बिकॉज आपका भी एक नेचर है, आपकी भी एक थिंकिंग है जो दुनिया में किसी से तो मिलेगी पक्का। सो जब तक वो नहीं होता ना तब तक रिजेक्शन फेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, कोई बुरी बात नहीं है रिजेक्ट। नंबर फोर, यू जस्ट गॉट रिजेक्टेड और इस बात से आपको हर्ट हुआ है, ये बात उसको पता होगी शायद या शायद नहीं भी, पर जो भी गिल्ट फील करके अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे थोड़े टाइम बाद, मतलब ऐसा होता है ना सबके साथ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है कि
प्रपोजल तो रिजेक्ट कर दिया बट बाद में अच्छा अभी बिहेव कर रही है, तो बंदे को लगता है कि यार इतना ही अच्छा लगता हूँ तो फिर रिजेक्ट क्यों किया एट फर्स्ट प्लेस। तो ऐसी वाली भी फीलिंग आए ना, तो ऐसी वाली फीलिंग जो है वो आपके मन में ये गलत फहमी डाल सकती है कि वो आपसे प्यार करती है और फिर ये चीज़ आपको मूव ऑन नहीं करने देगी। तो अब तुम हर्ट हुए हो और उसको इस बात का गिल्ट होगा क्योंकि उसकी वजह से हर्ट हुए हो, मतलब उसने नहीं एक्सेप्ट कर लेती तो तुम खुश हो जाते ना, पर नहीं एक्सेप्ट किया तो तुम्हें हर्ट हुआ। ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल, और ये भी नेचुरल है कि हम इफ़ किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं अनइंटेंशनली तो हमें बुरा लगता है। तो उसी बुरा लगने की वजह से ना, मतलब नुकसान नहीं पहुँचाया बट ऑब्वियसली तुम उस वो तुम्हारे दुख का थोड़ा सा कारण बनी है तो उसको बुरा तो लगेगा, और इसी बुरा लगने की वजह से वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी। लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर को प्यार समझने की गलती मत करना, बिकॉज उसका यही अच्छा बिहेवियर होगा आपके प्रति जो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देगा और वो अपनी लाइफ में आने भी नहीं देगी। तो उसके हर अच्छे बिहेवियर पे ना उसको यही बोलो कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं सोचता हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ें लाइफ है होता रहता है और लाइफ नहीं फिनिश हो जाती है इन सब से, तो चिल करो टाइप। मतलब उसको ऐसी ही बातें बोलनी है जिससे उसको आपके तकलीफ़ का पता ना चले और आप अपना टाइम ले पाओ, अपना पर्सनल स्पेस ले पाओ मूव ऑन करने के लिए। दैट्स इट। अगर आप जितना दिखाओगे कि यस आई गॉट हर्ट बाय योर डिसीजन, उतना ही वो आपको यू नो सिंपैथी देने की कोशिश करेगी और चीज़ें बिगड़ती जाएंगी बस। नंबर 5, उसने अगर तुम्हारे पास आना होगा तो तुम्हारे मूव ऑन करने के बाद भी आ जाएगी। तो ऐसा तो मत ही सोचना कि तुमने अगर उसकी ना को एक्सेप्ट कर लिया आसानी से तो उसे लगेगा कि अरे ये तो प्यार ही नहीं करता था टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्रॉस प्रपोजल्स भी होते हैं, तो इफ़ फीलिंग्स आ जाएंगी तो आपके मूव ऑन करने के बाद भी वो आपको आके प्रपोज कर लेगी कि नो आई रियलाइज यू लव्ड मी या आई लव यू टाइप का। लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं आई ना तो एक साल तक भी इंतज़ार करते रहो, वो दया के अलावा और कुछ भी शो नहीं करेगी। नंबर 6, आपको अपना एक्चुअल नेचर नहीं खोना है। भले आपको पहले जैसे अब उसको उछल उछल के प्यार नहीं जताना है, एफर्ट्स नहीं डालने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के नेचर को चेंज कर लो या ये सोच लो कि उफ लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया टाइप। तुम जैसे होना जैसे इंजॉय करते थे पहले वैसे ही रहो, अपने आप को नहीं बदलो बिकॉज इट्स योर नेचर। एंड किसी एक के तुमसे प्यार नहीं करने से ना कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, बिकॉज उस एक को दूसरों का प्यार मिल रहा है। वैसे तुम भी एक पर्सन हो, तुम भी इंडिविजुअल हो, तुमको भी दूसरों का प्यार मिलेगा और मिलता भी है, बस तुम्हारा फोकस उस एक लड़की पे है इसलिए तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ यू नो ख़राब हो रही है चीज़ें कि उसने मना कर दिया टाइप। बट द पॉइंट इज़ कि तुमको जो लोग प्यार करते हैं, जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, उनके लिए जियो। मतलब वो लोग जो तुम्हें जीते रहो बेटा, ऐसे बोलते हैं। नंबर 7, इंटरेक्शन बस इतना ही रखिए कि कभी अगर उसका मैसेज आए तो 2-3 मिनट कॉन्वो कर लो और उसमें बस यही बोल दो कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरी टेंशन मत लो टाइप। और फिर वो चैट भी डिलीट कर दो, चैट विंडो भी हटा दो। कभी अगर कॉल करिए, उठा लिए, 2-3 मिनट बात किए, देन कॉल लॉक से उसका नाम हटा दो। यानी कि कहीं पे भी उसका नाम वगैरह कुछ भी ना दिखे आपको, ऐसे आप डिलीट करते जाओ। इफ़ यू हैव हर फोटोज डिलीट दैम ऑल, बिकॉज उसकी एग्जिस्टेंस आपको बॉदर करती है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि शी डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर यू। और यू नो ये सब जो आप करोगे इससे ना आप उसको स्पेशल से नॉर्मल बना रहे हो, फिर वो इतनी नॉर्मल वाकई में बन जाएगी कि आपको फिर ये सब चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसका नंबर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पड़ा रहेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू वोन, आप अपने दिल से जीत गए ना। और यार रिजेक्ट तो सभी हो जाते हैं, पैसा होने के बाद भी, लुक्स होने के बाद भी, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी हो जाते हैं रिजेक्ट, तो हम फिर किस खेत की मूली गाजर हैं। उम्मीद है आपकी इस वीडियो से मदद हुई होगी, और अगर हुई है तो मेरी भी मदद कर दो, इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो शेयर कर करके। एंड ऑल्सो मैं कमेंट शेयर भी कर रही हूँ अभी फिर से, तो मैं ये पहला कमेंट लेना चाहती हूँ शहनाज परवीन का। शी इज सेइंग नाइस कलेक्शन दी एंड यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड, आई लव योर वीडियोज एंड आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस 3-4 years, आई एम मेकिंग वीडियो सिंस 3-4 years, मतलब आप शुरू से देख रहे हो। एंड आई विश वन डे यू विल शॉर्ट आउट माई नेम इन योर वीडियो, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच शहनाज, एंड रख क्या रही हूँ फ़ोन, दूसरा कौन शॉर्ट आउट देगा।
गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका कमेंट शॉर्ट आउट में आए ही, तो आप चैनल मेंबरशिप ले सकते हो ताकि मैं आपका कमेंट डेफिनेटली डालूँ शॉर्ट आउट में। तो ये दूसरा कमेंट है अरिश खान का। अगर अरिश नहीं आरिश होता है प्रोनाउंस, तो आई एम सॉरी, मैं सबके नाम पता नहीं क्यों गलत प्रोनाउंस करती हूँ, बट तुम लोग के नाम बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। तो इसने लिखा है, थैंक यू दीदी फॉर योर हेल्प, योर सजेशंस चेंज्ड माय लाइफ इन अ गुड वे। थैंक्स अरिश, एंड आई होप आप लोगों के भी नहीं कुछ नहीं। चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आपको अपना ट्रू नेचर भी नहीं खोना है।